यहाँ से अभी हम और 2 किलोमीटर अंदर जाएंगे तभी वो मंदिर के मुख्य द्वार के पास पहुँचने वाले हैं। हाँ, तो भगवान जी जो है मंदिर के ऊपर है, तो वहाँ तक तो हमें पहुँचना है, तो रास्ता यहीं से निकलता है, तो आगे जाके हम रुकेंगे और वहीं से फिर या तो बाइक अगर छोड़ दें तो हम डायरेक्टली मंदिर के पास जाएंगे, अदरवाइज हमें ट्रेन में जाने वाला है। अदरवाइज और नहीं, अगर ट्रेन का भी ऑप्शन नहीं है तो फिर हम बस में, वहाँ का व्यवस्था हुआ है तो बस में जाएंगे। काफ़ी सुंदर और काफ़ी अच्छी तरह से बनाया गया है, सजाया गया है मंदिर को, तो मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ, काफ़ी दिनों के बाद आ रहा हूँ तो मंदिर को। तो पहले तो हम बहुत बार आते थे लेकिन अभी काफ़ी अच्छी तरह से बनाया गया है, तो मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ और आप लोग भी एंजॉय करिएगा जरूर। तो गाइस, तो अभी हमें यहाँ पे मंदिर के पास आके पहुँच गए हैं और यहाँ पे हम तय किए कि वहाँ पे बाइक में जाने के लिए हमें परमिशन नहीं मिली क्योंकि रास्ता काम चल रहा है, तो ट्रेन में भी नहीं। भांजा ने बोला कि यहाँ पे हम चल के जाएंगे, तो चलने का मजा लेते हैं। ये काफी जो रास्ता बहुत ही मतलब फट रहा है, पूरा सीधा है पहाड़, और मेरे भांजा तो आगे दौड़ते हुए निकल रहा है वो। यहाँ पे भी कुछ लोग आ रहे हैं। ये काफ़ी पुराना रास्ता है, तो यहाँ पे दिया गया है यहाँ पे रहने के लिए, अगर बारिश वगैरह होता तो यहाँ पे रुक सकते हैं। अभी कितना पावच है वो तो पता नहीं, लेकिन मैं तो दम लग चुका है मुझे, बट स्टिल नो प्रॉब्लम, आई कैन मैनेज इट आफ्टर सो लॉन्ग टाइम। I'm just going on this way. I supposed to choose that at crane one, but he told me, so I should go with this stairs only. Really, it's painful, but no problem to go. यहाँ से, यहाँ पे जो नदी है, जो ऋषिकुल्या नदी, वहाँ पे और उस रास्ते से इस रास्ते में आने के लिए काफ़ी मतलब ब्रिज बनाया जा रहा है, ताकि वो वहाँ का गांव को डायरेक्ट कनेक्ट किया जा सके। माय गॉड, चल आगे चलो, काफ़ी मतलब दम लगता है यार ये, सीरियसली। का किछ का वो बिना डरते ही काम कर, हाथ मान लो, यहाँ का आप देखेंगे काफी अच्छी तरह से यहाँ पे से बनाया है, तो रहने के लिए देखिए जबरदस्त। ये मेरा भांजा हीरो, यहाँ से काफी नजारा मस्त है, देख रहे हो ना। इस शूटिंग के लिए और यहाँ पे खड़े होके देखने के लिए बहुत ही काफी अच्छा है। जैसे मैंने आप लोगों को बोला था कि ये जो ऋषिकुल्या नदी है, यहाँ से होते हुए पूरा ऊपर तक वहाँ तक जाता है,
तो गंजा, लगभग गंजा तक वहाँ पे पहुँचता है। हम इस रास्ते से आए हैं, ये रास्ते से आए हैं, काफ़ी पुराना रास्ता है और डेंजर भी है, बहुत फट गया हमारा, तो काफ़ी अच्छा लगा। और ये अभी अभी सारी चीज़ बनाया गया है, काफ़ी सुंदर बनाया गया है। अब देखेंगे कि जैसे उड़ीसा का कल्चर है, उसमें जो आर्ट एंड आर्किटेक्चर कारुकाज्य कल्चरल चीज़ों का कार्य बनाया गया है काफ़ी अच्छे से, जैसे पुराना अपना एथिकल उड़िया कल्चर की जो उड़िया कल्चर से ये मंदिर को बनाया गया। और देख रहे हैं ना, काफ़ी ये बड़ा लाइन तो अभी मंगलवार है, क्योंकि काफ़ी दोपहर का टाइम पे तो इतना गर्दी नहीं है, लेकिन अगर रात में सुबह सुबह आएंगे तो काफ़ी गर्दी होगी। आप देख सकते हैं पूरा नज़ारा, देखेंगे इस कन्नड़ से बोला। अभी बारिश का सीजन है तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे खेती में सारे लोग हैं। सही मौसम में हम आए हैं तो इसलिए हरियाली हर जगह है और बहुत ही अच्छा दिखता है। तो मैं आप लोगों का आग्रह करूंगा, तो ये सीज़न तो मैं नहीं आपको रेकमेंड कर सकता, लेकिन बट हाँ मोस्टली हम चैत्र महीने में ज़्यादा गर्दी होता है और माता की जो उसी महीने में ज़्यादा उत्सव और उनका पूजा विधि होता है, तो चैत्र महीने उनके लिए स्पेशल माता का मंदिर है, माता का उत्सव है, तो हर मंगलवार को यहाँ पे काफ़ी भीड़ लगता है। जो आसपास में लगभग जितने भी बोल सकते हैं कि 70% जो लोग हैं माता की उनके ऊपर ज़्यादा आस्था रहता है और वो उसी दिन उनका
मतलब घर का इष्ट समझ के वहाँ पे आते हैं, तो उसी समय में काफ़ी ज़्यादा करके कभी मात्रा में गर्दी रहता है। तो मैं आपसे अगर ये टाइम पे अगर बारिश के सीज़न में आएंगे तो बारिश तो होगा ही, तो वैसे संभल के आपको आना पड़ेगा।